की यानी जो ना कसरत से हो जाता है, आप किसी के दिल में अपना ख्याल पैदा कर सकते हैं, किसी को अपने ताबे भी कर सकते हैं, ये बात भी है, तस्खीर जैसे कहते हैं ना, किसी को अपना ख्वाब भी दिखा सकते हैं आप। ओहो हाँ, बड़े पीर साहब हो जाएंगे फिर आप, कि ओहो आपने उसको बोला ये ख्वाब देख तू, वो देखेगा। ये कैसे होगा ये बताइए। रियाजत है ये जो ना इर्तिकाज़ तवज्जो से होता है। किसी ने मुझे कहा कि मेरे इतना इर्तिकाज़ है मेरी तवज्जो में कि मैं 4 घंटे तक तकरीबन एक चीज़ को बगैर पलक झपके देख सकता हूँ। मैंने कहा इसका फ़ायदा क्या हुआ? कहने लगा कि मेरे यानी इख्तियार में है कि अगर मैं किसी की दोस्ती किसी से करा सकता हूँ और किसी की दुश्मनी भी किसी से करा सकता हूँ। कह रहे वो एक आदमी अपनी बेगम को तलाक दे रहा था बिला वजह, वो आ गई गई उसके पास कि भाई देखो ज़रा मेरा मियाँ मेरा खाम मखा में मुझे छोड़ रहा है। कह रहे मैंने 2-3 दिन बैठा हूँ उसको, मैंने थेरेपी की, मिस्मरिज्म किया उसको, उसको ये मिस्मरिज्म कह रहा था कि मैंने उसके जहन में ये बात डाली कि तुम्हारी बेगम तो बहुत अच्छी है, क्यों तलाक दे रहे हो उसको। खैर तीसरे चौथे दिन फिर उन खातून का फ़ोन आ गया कि ये तो बहुत अच्छे हो गए, बदल गए, लगता ये है ही नहीं वो, बिल्कुल ही चेंज हो गए, आपने कुछ किया है। कह रहे मैंने तो ना उसको ताबीज़ दिया ना कुछ किया, बस थोड़ी तवज्जो, इसको बुज़ुर्गों में कहते हैं इसको तवज्जो डालना कहते हैं उसको। अब किसी की तवज्जो ऐसी होती है कि वो एक नज़र में कर देते हैं, किसी को यानी 6 घंटे 4 घंटे बैठना सही पड़ेगा। सही 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 कामिल की बात है ना, अपने अपने सही, तवज्जो का कमाल है। लेकिन ऐसा मुमकिन है। मुमकिन, बिल्कुल मुमकिन है, ये तो रूहानियत की फील्ड में जो आता है उसके लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा तो फिर किसके लिए मुमकिन होगा? आप चलते हुए गाड़ी को रोक दें तवज्जो से अपनी, ज्यादा ही अगर आपकी हो गई, रियाजत बढ़ गई और आपको इजाजत मिल गई, आप चलता हुआ जहाज भी रोक सकते हैं कुफार का, उसका इंजन बंद हो जाएगा, परवाज ही नहीं करेगा। लेकिन बगैर इजाजत के नहीं होता फिर, क्योंकि क्रैश होते हैं बड़े मामलात में ना, फिर बड़े लोग इसको करते हैं, छोटे छोटे मामलात में तो आप कर देंगे, चलें किसी की गाड़ी बंद कर देगी, जिसको हम कहते हैं चमत्कार दिखाना, तमाशा दिखाना, ये तो कोई भी आप कर सकते हैं। बड़े बड़े मामलात में ना, कि जैसे किसी का जंगी जहाज ही बंद कर देना, तो फिर तो बड़े मामले होंगे ना ये, तो इसके लिए फिर इजाज़त भी चाहिए होती है और इसमें रूहानी कुव्वत भी बहुत इस्तेमाल होती है। एक आध कर लेगा बाकी क्या करेगा, रूहानी ख़त्म, रूहानी ताकत गई उसकी, अब चलते हुए इंजन को रोकने के लिए कोई ताकत तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना इसको, सही, उसके बाद इसका क्या बनेगा? तो अच्छा ये लमलेट हो जाएगा, लेट जाएगा फिर। अच्छा हाँ तो क्या मतलब भाई, ताकत का जवाब तो ताकत से ही है, हम कौन से कोई कुतुब अबदाल है। नहीं, खैर आप तो हैं। एक एक बार मैंने एक खातून के, बूढ़ी खातून थी, उनको गैंग्रेन था, तो मैंने इत्तेफाक से क्या किया कि उनका ना मुझे ना यानी प्रैक्टिस कर रहा था मैं सल्ब अमराज करने की ना, मर्ज को खींचने की, किसी से खींचने मर्ज। अब ये तो मुझे आता था खींचना थोड़ा बहुत, तो खींच तो मैंने लिया, अब डालूं किस पे, इसकी ओह प्रैक्टिस नहीं थी। बहरहाल मैंने उसको ज़ाया तो किया, लेकिन मेरे पाँव पे वो स्पॉट आ गया, एक जख्म का निशान आ गया, जो उनको था, उनको तो यहाँ तक था पूरा, वो ठीक हो गई अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मेरा मामला शुरू हो गया। फिर उसको मैंने काफ़ी अरसे तवज्जो दे के उसको ज़ाया किया, फिर इसको कहते हैं ना सल्ब के बाद जो है ना वो ज़ाया भी करना होता है, कि आपने सल्ब तो कर ली किसी की बीमारी, तो वो आपने अपने अंदर जज्ब कर लिया उसको, अच्छा फिर अब आप बीमार होंगे। खतरनाक है ना? खतरनाक हाँ,
खतरनाक ना मामला, तो नहीं करना चाहिए वो प्रैक्टिस के दौरान। तुम मैंने कहा चलो करके देखते हैं, हो गया तो हो गया। एक दफ़ा एक साहब है कहने लगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वही उसी दौरान प्रैक्टिस के दौरान। तो मैंने दो वाक्य थे मेरे साथ यानी ऐसे ना, उसका सल्ब अमराज का था वो मैंने किया, सल्ब किया थोड़ी देर में फिर पेट में दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, उसका ठीक हो गया। तो ये छोटे मोटे चमत्कार ये तवज्जो की इर्तका से दिखाए जा सकते हैं, हो जाता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अमल अमलियात जितने हैं ना सब तवज्जो पे, अगर आपने बेतवज्जो से कुछ भी पढ़ लिया आप कुछ भी नहीं होगा, और तवज्जो से आपने एक दफ़ा पढ़ा उसकी तासीर आप देखेंगे। दुआ ही है ना, बाज़ुकात हम दुआ मांगते रहते हैं अल्लाह हो जाए बेदिली से, तब नहीं होता कभी। कभी ऐसा फंस जाते हैं कि हम दिल से दुआ मांगते हैं या अल्लाह अब तो हो जाए ये मामला, और हो जाता फौरी हो जाता है वो। तकरीबन हर एक को यानी इसका तजर्बा है कि वो जो इस्तराब और तवज्जो का इर्तिकाज चाहिए होता है ना, दुआ की कबूलियत की जो कुंजी है, वो किसी ख़ास लम्हे में बंदे को हासिल होता है, और उस वक्त आपने मुंह से कहा और वो काम हो गया।